वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका टेकटन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है महेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन पर लगे किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपने फ़ोन की गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर व्हाट्सअप में ऐसा कोई भी फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है जिससे कि हम इस स्टेटस को अपनी फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड कर पाएँ, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उससे आप यहाँ से किसी भी स्टेटस को अपने फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करने वाले। अपने फ़ोन में एक ऐसी ट्रिक का यूज़ करेंगे जिससे कि आप बिना किसी एप्लीकेशन के इन सारे स्टेटस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा जिससे कि हम यहाँ पर एक स्टेटस देखेंगे और अपने फ़ोन की गैलरी में भी उसे डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में, यानी आपके फ़ोन में जो भी फाइल एक्सप्लोरर प्री इंस्टॉल्ड है आपको उसे ओपन करना है। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर नाम का ऐप है जो कि मेरी फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड है। तो हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे और हमें यहाँ पर व्हाट्सअप नाम का एक फ़ोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप व्हाट्सअप नाम का फोल्डर ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक मीडिया का ऑप्शन देखेगा, तो सिंपली आप मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फोल्डर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें कोई भी स्टेटस नाम का फोल्डर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन में भी ये फोल्डर देखने को नहीं मिले। इस फोल्डर को देखने के लिए सिंपली आपको इन 3 डॉट पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखा है शो हिडन फाइल्स। दोस्तों ये वाला ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में नहीं ऑन होगा तो आपको भी यहाँ पर स्टेटस नाम का फोल्डर नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप शो हिडन फाइल को ऑन करेंगे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं डॉट स्टेटस नाम का फोल्डर हमारे फ़ोन में आ चुका है। तो इसे सिंपली जैसे ही ओपन करेंगे तो जितने भी स्टेटस आज आपने ओपन किए हैं वो सारे स्टेटस आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली हम यहां पर किसी एक स्टेटस को देख कर यहां पर देखते हैं कि यहां पर आता है कि नहीं वो। तो सिंपली हम यहां पर एक ये वाला स्टेटस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेटस को पूरा देखना होगा, उसके बाद ही ये आपकी गैलरी में आएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्टेटस देख लिया, अब वापस से चलते अपने फ़ोन की गैलरी में। तो यहाँ पर से थोड़ा सा हम फाइंड आउट करते हैं कि ये वाला स्टेटस कहाँ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो स्टेटस मैंने आपको अपने व्हाट्सएप में लगा हुआ दिखाया था वो हमारी फ़ोन की गैलरी में आ चुका है। दोस्तों यहाँ से हम इसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं ताकि हमें फटाफट से ये जो स्टेटस है वो मिल जाए। तो सिंपली मॉडिफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारे फ़ोन में सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसे आप हमेशा अगर सेव करके रखना चाहते हैं तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले या फिर कट या फिर पेस्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से ये हर दिन रिमूव हो जाता है और जो नए स्टेटस अपलोड होते हैं हमारे व्हाट्सएप पर हम जिसे भी देखते हैं वो यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। तो सिंपली हम इसे कट करने के बाद कोई भी एक नया फोल्डर बना सकते हैं, स्टेटस के नाम से ही बना देते हैं स्टेटस, ये वाला फोल्डर हमने बनाया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे तो ये फ़ोटो है जो हमारे फ़ोन में हमेशा के लिए अब सेव हो चुका है। इसी तरह से आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर से कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर से हम कोई एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये एक वीडियो है, यहाँ पर आपको भी दोस्तों वीडियो को पूरा प्ले करना होगा, इसके बाद ही ये वीडियो हमारी फ़ोन की गैलरी में जाएगा और वहाँ से हम इसे कॉपी पेस्ट करके रख लेंगे। तो सिंपली हम वापस से अपने फ़ोन के व्हाट्सएप वाले फोल्डर में जाएंगे यहाँ से और ये स्टेटस मीडिया में जाने के बाद स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो हमने यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, व्यू पर जाने के बाद सिंपली आप टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे फ़ोटोस एक तरफ हो जाएंगे, वीडियोस एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो अभी वीडियो हमने देखा था ये देखिए सेम वीडियो हमारे फ़ोन की गैलरी में आ चुका है। आप इसे भी यहाँ से कट पेस्ट करने के बाद अपने फ़ोन की गैलरी में हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कट करेंगे और यहाँ से पीछे इस तरह से जाने के बाद हमने जो नया फोल्डर बनाया है ये रहा हमारा फोल्डर, हम इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों स्टेटस दोस्तों आपके फ़ोन में हमेशा के लिए सेव हो चुके हैं।
आप अपनी मर्जी चाहें इसे जहां शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं या आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन की गैलरी में बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हमने यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं किया है। हमने सिंपली जो हमारे फ़ोन में फाइल एक्सप्लोरर नाम का ऐप आता है उसे ही ओपन किया है। हो सकता है दोस्तों आपके फ़ोन में जो फाइल एक्सप्लोरर नाम का ऐप है उसके अंदर ये फोल्डर नहीं मिले, तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ES फाइल एक्सप्लोरर का लिंक दे दूंगा। आप वहां से इस फाइल एक्सप्लोरर को डाउनलोड करके इस तरह से अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।